अच्छा आप देखते हैं कि जो फाइल्स है ना उसके अंदर क्या पड़ा है। ठीक है, मैं आपको पहले ये फाइल ओपन कर देखो, सिर्फ इसके अंदर लेबल्स पड़े हैं। मतलब आपको याद होगा अपना क्या कहते हैं, हमने लेबल इमेज के थ्रू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए हम वो रिएक्ट बॉक्स बनाकर हम लेबल्स बनाते थे। ठीक है, वो जितने सारे लेबल्स हैं बनाएंगे ना, जब वो मॉडल पूरी ट्रेनिंग चलेगा ना, जब एक दफा मॉडल वो डिटेक्शन करेगा तो इसी तरह वो एक डॉट जेसन बनाएगा फाइल। ठीक है, खुद ही बन जाएगी, हमें बनाने की जरूरत नहीं, कोड बना देगा वो। ये सारे लेबल्स ना जितने भी होंगे वो आकर इधर सेव कर देगा। ठीक है, अब देखो ये सारे A to Z और 0, 1, 2, 3, 9 ये सारे लेबल्स खड़े हैं। ठीक है, इसमें ये मैं अब आपको बताता हूँ, इसमें एक और लेबल है NA जो मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है। ये NA का मतलब है नॉट अटेम्प्टेड, मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी इमेज आएगी प्लेट की जो बहुत ज्यादा ब्लर होगी, ठीक है, मतलब नंबर क्लियर नहीं होगा ज्यादा अच्छे से ना, ठीक है, तो ये उसको NA आउटपुट देगा। ठीक है, अपना यहाँ पर NA लिखा है लेकिन फिर मैंने ना जब आउटपुट जा रही है ना तो वहां से मैंने इसको एडिट करके ना N/A कर दिया। ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कुछ ऐसा नंबर भी तो हो सकता है ना जिधर NA वैसे ही लिखा हो। ठीक है, तो जब ये N/A आएगा ना तो उसका मतलब ये है कि जी जो प्लेट की पिक्चर है ना वो या तो बहुत ज्यादा ब्लरी है या क्लियर नहीं है, जिससे ना ये मॉडल डिटेक्ट नहीं कर सका। ठीक है, इसकी भी मैंने एग्जाम्पल दी थी, मतलब मेरे पास कुछ प्लेट्स की इमेजेस ऐसे थी जिसके अंदर नंबर बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा था, तो मैं उसको मैप कर ही नहीं सकता था जब क्योंकि नंबर ही नहीं नजर आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ना इसको ना फिर NA मैप कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर ऐसी इमेज कोई आ भी जाती है तो मॉडल उसको NA दे दे, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, हर दफा जब भी इमेज आएगी ना कोई मॉडल ने आउटपुट देनी ही देनी है, कोई ना कोई आउटपुट जरूर देनी है। ठीक है, अब वो बहुत रेयर केस होगा कि आउटपुट मॉडल कोई आउटपुट दे ही ना, बिल्कुल जीरो आउटपुट दे, वो बहुत रेयर केस होगा। ठीक है, कोई ना कोई आउटपुट जरूर देगा। ठीक है, अब वो जो आउटपुट होगी ना, अब जब खराब इमेज आएगी तो बिल्कुल ब्लर, तो वो कोई ना कोई नंबर उठाकर दे देगा कि ये जी ए मुझे इसके अंदर नजर आ गया, बी नजर आ गया। तो इस चीज से बचने के लिए मशीन लर्निंग के कामों में ये लाजमी किया जाता है कि आप करेक्ट चीज जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हो ना तो आप फॉल्स चीज भी बताओ। ठीक है, अब जरूरी है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसी इमेज आ जाए जो ब्लर हो, कोई नंबर ही नजर आ रहा हो और मॉडल उसके ऊपर कोई नंबर दे दे, तो फिर तो काम खराब है ना। तो वहां पर ये फिर NA आउटपुट देगा जी मुझे यहाँ पर नंबर नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरह से ना ये अपना क्या कहते हैं वर्किंग करेगा। ठीक है, एक ये लेबल्स हो गए और दूसरा फिर इसके अंदर है एक एंकर्स का कॉलम। जो हम बॉक्सेस बना रहे थे ना रिएक्ट बॉक्स, उनको हम एक एंकर बॉक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इस के दौरान ना बीच दरमियान हमारी इमेज का जो ऑब्जेक्ट है ना जो हम डिटेक्ट करना चाहते हैं वो लाया करता है। अच्छा, अब ये हमें बताता है कि ये ना क्या करेगा, जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे ना तो ये सारे डाटा को चेक करेगा जो हमने इसको डाटा दिया होगा, उसमें से वो बेस्ट एंकर बॉक्सेस जो होंगे ना, जो जिधर वो ऑब्जेक्ट लाए कर रहा होगा, ठीक है, वो आकर अपने पास इस फाइल में डॉट जेसन फाइल में सेव कर देगा। ठीक है, जो जो वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब फिर जब वो प्रिडिक्शन करने जाएगा ना, ठीक है, तो जब वो ट्रेनिंग कर रहा होगा तो वो ये देखेगा कि मेरे पास जो प्रिडिक्शन आ रही है, ठीक है, और जो मेरे पास ये एंकर बॉक्सेस है वो कितना एक मैप कर रहे हैं, वो एक इंटरसेक्शन ओवर यूनियन टर्म है, वो उससे चेक करता है। ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई अब देखो फर्ज करो ये एक बॉक्स है, ये प्रिडिक्शन किया है हमारे उसने मॉडल ने,
ठीक है, एक ये बॉक्स प्रिडिक्ट हुआ है, ठीक है, और जो ओरिजिनल था वो था अपना क्या कहते हैं मिसाल के तौर पे ये, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है, तो अब आप ऐसे फर्ज करो कि ये यूं जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करो हमने हमारे पास जो ओरिजिनल बॉक्स था एक इन इस लिहाज से एक बेस्ट बॉक्स बनता है इस तरह से ना, ठीक है। तो अब फर्ज करो हमारे पास एक ये बॉक्स था, लेकिन जो हमने प्रेडिक्ट किया वो ये है। अब वो इसके थ्रू ये चेक करेगा कि जी हमारे पास इंटरसेक्शन कौन सी चीज बन रही है और यूनियन कौन सा चीज बन रही है। अब हम इंटरसेक्शन पे वो चीज होती है ना जो कॉमन है, इंटरसेक्शन वाला ये देखो ये पार्ट बन गया, ठीक है, ये वाला सारा, ये वाला, ठीक है, और जो यूनियन है वो ये सारा बन रहा है इधर वाला, ठीक है। अब वो इस पार्ट को और इस पार्ट का इंटरसेक्शन और यूनियन लेगा और एक ना न्यू आउटपुट बना देगा बॉक्स को ना, जो एक करेक्ट थोड़ी बहुत करेक्ट करके ना हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। उससे हमारे पास ये होगा कि जी हमारे पास अगर प्लेट सही भी नहीं डिटेक्ट होती थोड़ी बहुत, तो वो उसको अपना ओवरऑल एंड में करेक्ट करके ना रिटर्न करेगा, तो इसका एक ये फायदा है, ठीक है। ये एक इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के थ्रू वो हमें बता देगा। बाकी अब अपना क्या कहते हैं ये करेक्टर है ना, तो जो हमारे पास प्लेट की डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, उसमें भी यही चीजें हैं। प्लेट डॉट उधर अपना सबसे पहले लेबल्स दिए होंगे, लेबल्स में सिर्फ और सिर्फ प्लेट का लेबल होगा, ठीक है, और कोई लेबल नहीं होगा। और उसके अलावा अपना क्या कहते हैं उसी तरह उसके भी एंकर बॉक्सेज होंगे, ठीक है। अब वो इसी तरह अपना जैसे मैंने अभी आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट किया ना, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करेगा,